रहता है और विश्वास रहता भी कि मैं मेरे कोई पोता पोती आएंगे या मेरा दोस्त आएगा, दोस्ती आएगी, बेटी आएगी ससुराल से, तो मैं 50 रुपए का 100 रुपए का नोट पकड़ा दूंगा। ये विश्वास रहता है। बहुमत से बाहर युद्ध नहीं पड़ेगी। बहुमत जगह देती नहीं है, बहुमत जगह देती नहीं है, होता नहीं उनके बाद में, तो फिर शासन जी का मूड खराब हो जाता है कि देखो मैं पैसा मांगा, मेरी बेटी आने वाली ससुराल से, दिया नहीं तुझे। और पोता पोती में क्या है, सेवा करते दादा दादी की, क्योंकि अगर सेवा करेंगे तो मुझे 50 रुपए 25 रुपए का नोट मिलेगा। दादा दादी के पीछे आगे पीछे पूछते थे, पानी पिलाऊं दादा, दादी को खाना खिलाऊं, तो सेवा होती है बच्चों की, पोता पोती की। तो माहौल घर में अच्छा रहता है, माहौल घर में अच्छा रहता है तो खुशनुमा माहौल रहता है, तो सबको खुशी होती है, दादा दादी को भी, पिता माता को भी, बच्चों को भी, भाई बहनों को भी। ऐसा माहौल घर में रहना चाहिए। इतने सम्मान के रूप में फ्रेंड से मिल रही है आप सब। बाकी जो 10 घायल दे दी थी हमने, 25 लाख का बीमा, दुर्घटना बीमा, गायों की लंबीरों में गाय मर गई थी, तो हमने 40,000 रूपये प्रति गाय पेमेंट किया है किसानों को। 40,000 रूपये पेमेंट किया है, लंबीरों में गाय मर गई। अब आगे गायों का बीमा कर रहा था, गायों का पैसों का राजस्थान के अंदर। अन्नपूर्णा योजना में किट दे रहे हैं परिवार वालों को, जो खाद्य सामग्री तेल भी है, मिर्च मसाले भी है, दालें भी है, शक्कर भी है। इतनी महंगाई भयंकर है कि गरीब परिवारों को बड़े सुकून मिलता है कि मेरे घर में राशन की व्यवस्था भी करें। गैस सिलेंडर 500 रुपये दे रहे हैं, 500 रुपये हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, हमने व्यवस्था करी 500 रुपये। इस प्रकार से 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी। अब बिजली का बिल 1 करोड़ लोगों को आता ही नहीं है, बिजली बिल सबके फ्री हो गई बिजली, ये हमने व्यवस्था कर ली है। और किसानों को 2,000 यूनिट बिजली फ्री कर दी है खेतों के अंदर। इस प्रकार से कोई कमी रखी नहीं है काम करने में, और मैं समझता हूँ कि इसका लाभ हर परिवार को मिलता है। हमारी योजनाएं घर घर में पहुंच रही है, छात्रों के भी, युवाओं के लिए भी, किसानों के लिए भी। जो कुछ मैंने कहा वो हमने करके दिखाया, खाली वादे नहीं किए हैं। जो हमने बजट में घोषणा करी थी वो लागू भी हो गई है, इस बात का एहसास पूरे प्रदेशवासियों को है। इसीलिए राजस्थान की तारीफ आज पूरे देश में हो रही है, हर प्रदेश में हो रही है, ये हमें हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आपके बारे में कोई कमी नहीं रखी, हालांकि हमारा एमएलए नहीं था, तभी हमने देशोजी में कॉलेज खोला, देशोजी में बाली कॉलेज में साइंस में कॉमर्स शुरू कर दी, बेटा में जनजाति छात्रावास शुरू किया, बाली में एडीएम ऑफिस खोल दिया, देशोजी में एडीजे कोर्ट, सिविल न्याय कोर्ट खोला गया, देशोजी बीकानेर सोलंकी का बदलना बनाने की घोषणा की हुई है, नाडोल में देशोजी में औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है। आप सोच सकते हो नाडोल में भी औद्योगिक क्षेत्र बनना, मतलब रोजगार मिलेगा नौजवानों को, इंडस्ट्री लगा पाएंगे वो, इस प्रकार की व्यवस्था भी हमने करी है। और वैसे आपके रणकपुर मंदिर का धार्मिक पर्यटन स्थित रही है, सोनाड़ा खेतर जी मंदिर का काम भी चल रहा है, गोडवाड़ा देशोजी में और भी कई काम हुए, टूरिज्म बड़ा नगर का है, सड़कें बन रही है। तो कहने का मतलब ये है जो मुझसे मांगा गया मैंने मना नहीं किया, एमएलए को मैंने कहा तुम मांगते मांग थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। अब आपके एमएलए ईपट में थे, उन्होंने मांगने में कंजूसी की होगी, क्योंकि मेरा दोस्त नहीं है, मुझसे मांगा मैंने दिया, सबको दिया। इसे मैं कह सकता हूं आगे भी जो है, आगे आपके जवाई का बड़ा मैंने योजना बनाई है, जवाई के पुनर्भरण की,
और मैं कह सकता हूं आपको कि जो है पुनर्भवन की योजना पूरी होगी, कमान क्षेत्र जो है सिंचाई के लिए उस पर ध्यान रखेंगे, बाली उपखंड के अंदर भी एरिया कवर हो, ये ध्यान रखा जाएगा। पैसे झरों में बहुत पट्टे मिले हैं, कहते गांव के अंदर पट्टे नहीं मिले हैं, वो योजना वो तो बनाएंगे हम लोग, पैसे गांव के संगी और शहरों पट्टे मिले, 7-8 लाख पट्टे मिले हैं, उसी ढंग से गांव के अंदर भी पट्टे मिल सके, गांव का विकास योजना तरीके जो हो, गांव में स्कूल कॉलेज PSC CSC का बने, खेल का मैदान का हो, व्यवस्थित होना चाहिए, यह हमारा प्रयास रहेगा। इतने में कहना चाहूंगा बाली के तो जिले में बनाने की मांग भी लोग करते हैं, बाली जिला बनना चाहिए। अभी मैंने 20 जिले बनाए हैं राजस्थान में, इतिहास बन गया है 20 जिलों का, और मैंने घोषणा कर रखी है, हमारी सोच है कि जिले अधिक से अधिक बनने चाहिए, जिससे कि लोगों को दूर ही नहीं जाना पड़े अपने कामों के लिए जिला मुख्यालय पर। मेरी कोशिश रहेगी आने वाले वक्त में जब सरकार बनेगी, कमेटी बनाई हुई हमारे राम लुभाया जी की, वो काम देख रही है, जैसे जैसे सिफारिश आती जाएगी हम इस कदम को भी आगे बढ़ाएंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। बाकी जो हमने 7 गारंटी दी अपने, वो टेंट पीछे लगा हुआ है गारंटी का, आप अपने मोबाइल फोन से अगर बटन दबाओगे, आपको देखा होगा विज्ञापन, आपने अभी तक 32 लाख लोगों ने मिस कॉल दिया है, अगर आप मिस कॉल देंगे तो आप बात में SMS आ जाएगा, आपका 7 गारंटी का पंजीकरण हो गया है, और मैसेज आएगा ये भी आएगा कि आपको गारंटी का हमने पंजीकरण कर लिया है, आपको सूचना कर दी जाएगी। इस प्रकार से ये जो नया सिस्टम किया हमने मोबाइल फोन सबके पास में, बाजी में महिलाओं को 1 करोड़ 35 लाख मोबाइल फोन देने का मैंने वादा कर रखा है, 40 लाख टेलीफोन मिल चुके हैं महिलाओं को, क्योंकि एक साथ सप्लाई हो नहीं पाए थे, इसलिए हमने कहा चुनाव होते ही बाकी जो 1 करोड़ महिलाएं होगी उन सबको 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ में मोबाइल फोन मिलेंगे। अब जो गारंटी जो दी हमने उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा आपको, ये गारंटी तो यही है, गृहलक्ष्मी योजना, इसमें घर की जो महिला मुखिया है उसको सरकार प्रतिवर्ष 10,000 रूपये देगी सम्मान राशि के तौर पर। दूसरी गारंटी है जो गैस सिलेंडर है वो भी खाली उज्ज्वला योजना वालों को है, दायरा बढ़ा करके 1.5 करोड़ परिवारों तक हम लोग आगे आने वाले वक्त में सबको 500 रूपये गैस सिलेंडर देंगे, हम लोग 1 करोड़ देंगे। तीसरी गारंटी है गोधन गारंटी, एक नया प्रयोग है छत्तीसगढ़ सरकार ने किया था, मैं खुद देख के आया रायपुर के अंदर, वहां जितने भी गाय हैं वो गलियों में फिरती रहती है, आप देखते हो आवारा पशु के रूप में कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, दुर्घटना होती है, गाय मर जाती है, आदमी मर जाता है, गंदगी भी होती है। अच्छा प्रयोग हुआ कि बाड़े बना दिए सरकार ने, बाड़ों के अंदर गाय रहती है, गाय मालिक भी जाए तो वहां सेवा कर सकता है, चारे की व्यवस्था होती है, पीने का पानी होता है गायों के लिए, और उनकी देखभाल भी अच्छी होती है, दूध देने वाली गाय हैं शाम को वो अपने घर ले आते हैं, दिन भर रखते हैं बाड़े के अंदर, पर जो गोबर होता है गोबर को सरकार खरीदती है, तो हमने तय किया है राजस्थान के अंदर तमाम, यहाँ वहां भैंसे नहीं है, अपने यहाँ भैंसे भी है, गाय भैंस का गोबर सब सरकार खरीदेगी 2 रुपये किलो के हिसाब में खरीदेगी, और जिससे जो है उसे खाद बनेगा, गोबर से खाद बनेगा, वो खेतों में काम आएगा, उसे बाहर में आज गैस बनेगी जो चूल्हे में काम आएगी, तो ये नई स्कीम है
जिसमें गोमूत्र दवा बनती है। तो ये जो है हमने तय किया कि हम भी छत्तीसगढ़ की तरह अवर पशु नहीं घूमे गलियों के अंदर, साफ सफाई रहे शहरों के अंदर भी, गलियों में, गांव में भी। इसलिए हमने गोधन योजना भी शुरू करी है। वैसे भी गायों की सेवा जो अपन कर रहे हैं, ये हमारे विपक्ष के लोग हल तो करते हैं, तो गाय माता की सेवा करने वाला सरकार को यह दबारी है। जो हमने गाय के अलग विभाग बना दिया सरकार के अंदर, नंबर एक लंबी रोग में मैंने कहा 40,000 रूपये हमने पेमेंट किए हैं पशुपालकों को। नंबर दो पशुपालक 500 रूपये लीटर दूध का हम लोग देते, बोनस देते हैं। और सबसे बड़ी बात है गायों के लिए जो है उनके लिए पिछली गवर्नमेंट जो थी बीजेपी की, तो 500 करोड़ रुपए दिए उन्होंने गौशालाओं को अनुदान के रूप में। और आपको जहां खुशी होगी हमने 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए गायों के अनुदान के लिए। ये कैसे हमें बदनाम करते रहते हैं क्या हम लोग हिंदू नहीं है, क्या हम लोग गो भक्त नहीं है, क्या नहीं है। इस प्रकार से ये जो आरोप लगाते हैं उनमें कोई दम नहीं है। अलग दे रहे हम लोग, सब कुछ कर रहे हैं हम लोग, किसान अलग डबल पेज कर रहे हैं, साथ गाने नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा केरला में सरकार रिपीट हो सकती है, तो मुझे विश्वास है कि जहां मैं जा रहा हूं लोग इतना खुश हैं और कहते हैं कि निशान इतना सरकार वहां पर रिपीट होगी आपकी। मैं उम्मीद करता हूं आप सबका आशीर्वाद मिलेगा तो आप लोग इस बार सरकार रिपीट करोगे। पाली जिले में आप जानते हो कि कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़े किए हैं और उन तमाम उम्मीदवार आपके जानकार है, जानते हैं आप लोग। मैं आपसे अपील करूंगा कि पाली से जो आपके बद्रीराम ठाकर जी हैं, पाली से भीमराव भाटी जी हैं, सुमेरपुर से हरिशंकर मेवाड़ा जी हैं, छोटे से नीरज आर्य जी हैं, बाबा जंक्शन से खुशबीर सिंह जी हैं, जैतान अब्दुल चला गया ब्यावर के अंदर सुरेंद्र गोयल जी है, इन सबको जुटाओ। आप लोग सरकार बनाने अगर आपको सरकार तो बनेगी, एमएलए बनेगा तो सरकार बनेगी, एमएलए जीतेगा तो सरकार बनेगी। मुझे यकीन है कि आप पंडित ठाकर को जो आपका मैंने प्रेम देखा है कमी नहीं रहेगी, आप बहुत भारी बहुमत कामयाब करोगे। ये बात करता मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। जल्दी जल्दी ऑन करो, ऑन करो। हाथ रह जाओ।